लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के सीनियर कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बिल्कुल, और ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी कांग्रेस को नेतृत्व विहीन कर सुना है कि इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाने खूब भगदड़ भी बची हुई है। कई लोगों के मन डावाडोल हो रहे हैं और आज नहीं तो कल हमारे परिवार में सम्मिलित होंगे। पीएम और सीएम के ये संकेत अब हकीकत में बदल रहे हैं। सुरेश पचौरी भी बीजेपी में शामिल हो गए और उनके साथ कई बड़े नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल हुए इन तमाम नेताओं में नेतृत्व की वो क्षमता है जो अपने साथ कार्यकर्ताओं के बड़े वर्ग को जोड़ते हैं। जाहिर है बीजेपी ने कांग्रेस को ये झटका देकर अपना इरादा एक बार फिर जता दिया है कि वो कांग्रेस को नेतृत्व विहीन कर देना चाहती है। कि कांग्रेस की राजनीति में राजनीति के संत के तौर पर जिनको पहचान है सागर सुरेश पचौरी जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। लगातार गिरते नेताओं के विकटों के बीच यदि मध्य प्रदेश कांग्रेस पर नजर डाली जाए तो दिग्विजय सिंह ही एकमात्र वो चेहरा बचते हैं जो बीजेपी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, वरना तो कमलनाथ सहित तमाम बड़े नेताओं को लेकर सियासी फिजाओं में खबरें तैरती ही रही हैं। कांग्रेस के लगातार टूटने की वजह सुरेश पचौरी और बाकी नेताओं ने भी वही बताई जो आजकल कांग्रेस छोड़ने वाला हर नेता बता रहा है। मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, अभी भी मैं बड़े शब्द के यहां आया, हमारे यशस्वी तेजस्वी ओजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री ने पूरी कर दी कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है, हमें गर्व है। परंतु कांग्रेस पार्टी में कभी मुझे ऐसा लगा नहीं है, वो सेवा करना चाहिए। आपने देखा होगा सबसे बड़ा उदाहरण जब राम मंदिर बन रहा था उसके अंदर आदरणीय कांग्रेस पार्टी ने जो घुराया था उससे हाथ होकर हम लोगों ने वापस आके हमारे जो पार्टी जिस पार्टी में जिस पार्टी जो देश की सेवा कर रही है, समाज की सेवा कर रही है, हिंदू धर्म की सेवा कर रही है, उस पार्टी में आना चाहिए, मैं अपने परिवार में वापस आ गया। तो वही कांग्रेस इसे बीजेपी की घटिया राजनीति करार दे रही है। सुरेश पचौरी जी ने जितने पद लिए एक पार्टी में जो मिल सकता है सर्वश्रेष्ठ मिला, सर्वश्रेष्ठ। चार बार लगातार राज्यसभा, 10 साल केंद्रीय मंत्री, पीसीसी का एक चुनाव उनके नेतृत्व में, और भी कई कमेटियों ने नहीं बताया उनके इस्तीफे में। तो मैं मानता हूं ऐसे में वो गए, फिर भी गए, इन्होंने सोच समझ के निर्णय लिया। तो ईश्वर करे वो भीड़ का हिस्सा न हो जाए। कांग्रेस में मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सुरेश पचौरी ने कांग्रेस छोड़ी है तो संजय शुक्ला, विशाल पटेल और सतपाल पलिया जैसे युवा चेहरों ने भी छोड़ी है। यानी बीजेपी कांग्रेस के भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों पर एक साथ मार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वंसल न्यूज़।